तो हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? आ गया भाई आपके लिए एक और नया ट्रैकिंग ब्लॉग लेकर। और सुबह का मैं इधर ही खड़ा हूँ भाई, और अभी अभी फोन आया कंपनी से कि आपका रात को लोड है। रात को लोड होगा हमारा मदीने का, उधर से होगा लोड। मदीना आपको मालूम है तकरीबन होगा इधर से 450 किलोमीटर यार। और अभी टाइम 4 बज चुके हैं, देखते हैं कब का अब लोड हमारा होगा भाई। रात को जाएंगे पेपर जमा कराएंगे, क्योंकि अभी नहीं पेपर जमा कराएंगे ना, लोड हमारा रात को है तो रात को ही पेपर जमा हो गए। रात को पेपर जमा कराएंगे, फिर करेंगे ट्रक लोड करके चलेंगे मदीने पे। चलो भाई देखते हैं, अब खाना खुना देखते, चाय चुए पी के आते हैं। 4 बजे के सुबह का इधर ही सोया हूँ मैं, अभी कॉल आया लोड के लिए। चलो मैं कोई मुश्किल नहीं व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और अपना ट्रक लोड कर लेते हैं। ओके भाई, मिलते हैं आपको शाम को। अभी लो भाई 8 बज चुके हैं और पेपर हमने जमा करा दिए है। अब ये करेंगे कॉल, रात को कॉल करेंगे जब गाड़ी लोड होना होगा ना। अब जाते हैं कहीं पार्किंग ढूंढते हैं, पार्किंग ढूंढ के ना सोते हैं फिर, क्योंकि इनका कॉल तकरीबन 9-10 बजे आएगा, अभी 8 बजे है। पार्किंग देखते हैं, इधर पार्किंग का बहुत मसला है यार। जो सुनई है ना, ये उस नहीं है कि सिक्योरिटी है यार, बहुत ज़्यादा तंग करती है इधर, बोलती है बाहर जाके सो। देखते हैं अब पार्किंग ढूंढते हैं फिर सोते हैं इधर। ये देखो ये सनैया है ना, सनैया के अंदर ये रास्ता है, इस पर कोई गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं चलता है। इधर साइड पे पार्किंग है, इधर पार्किंग तो क्या, इधर जगह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी इधर ही खड़ता ना, जो सिक्योरिटी वाला होता ना इधर भी नहीं खड़ने देता, वो बोलता है इधर नहीं खड़ना बाहर जाके सो। पता नहीं क्या मसला यार इनको। ये देखा गाड़ी खड़ा है ना, अभी मैं इधर गाड़ी तो रोक तो लिया मैंने, जी रात को वो आ गया सिक्योरिटी वाला, वो मुझे बाहर निकाल देगा, बोलेगा कि सनैये से बाहर निकल के सो। इधर जगह कोई गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं चलता, अच्छी पार्किंग है, अभी गाड़ी खड़ जाती है, पर जो सिक्योरिटी गार्ड वाला आएगा बाहर निकालेगा। मैंने कहा पता नहीं लैदा ही कानून है यार। लो भाई कॉल आ चुका है लोडिंग के लिए, और टाइम कितना हो गया, 12 बज गया टाइम, चलते हैं और ट्रक लोड करते भाई अपना। लो भाई लगा दिए ट्रक लोड होने के लिए, थोड़ा सा ऊपर उठा दें। सही है, ऐसे होता है लोड भाई, मिल्क इधर से अंदर लोड होगा। चलो चलते हैं अब वेटिंग रूम में, ये भी लगाना जरूरी है इधर हदीब। लग गया ना, सही है। अब जाएंगे इधर वेटिंग रूम में यार, वेटिंग रूम में जाके वेट करेंगे, वो कॉल करेंगे वे कब लोड होगा ट्रक। ये लगा दिया। लो भाई हो चुका है ट्रक लोड अपना, निकाल लिया गाड़ी बाहर, अब देखते हैं पार्किंग कहीं, उधर जाके फिर सोते हैं, क्योंकि भाई कल को है जुम्मा, कल को नो एंट्री नहीं है ना, तो कल को सुबह उठ के फिर जाएंगे। टाइम 2 बज चुके हैं, 12 बजे गाड़ी लगाया था मैंने, 2 बज गए देखो लोड करते हुए। बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं यार जी गाड़ी लोड करने में, पता नहीं क्यों इतना टाइम क्यों लगाते हैं जी, 2-3 घंटे तो लगा ही देते हैं। चलो कोई मुश्किल नहीं, अब तो हो गया गाड़ी लोड, अब चलते हैं कहीं पार्किंग ढूंढते हैं, फिर सोएंगे, सुबह उठ कर जाएंगे। ओके भाई गुड नाइट, फिर मिलते हैं सुबह को। तो हाँ जी भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। रात में इधर सो गया था पार्किंग ढूंढ के ना, ये पार्किंग है इधर सो गया था। अब टाइम 7 बज चुके हैं, अब चलते हैं पहले चाय उठाते हैं फिर निकलते हैं। आज जुम्मा है ना, नो एंट्री भी नहीं है आज, निकलते हैं फिर चाय उठाते पहले इधर नज़दीकी होटल है एक। लो भाई चाय उठा लिया अभी, अब निकलते हैं जद्दे से बाहर निकलते हैं। 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, आज जुम्मा है ना तो ट्रैफिक नहीं होगी, इसके लिए टाइम थोड़ा ही लगेगा। चलो फिर चलते हैं भाई।
लो भाई जद्दा से बाहर निकल चुके हैं, अब हमने सीधा ही जाना है 400 किलोमीटर। अब एक पेट्रोल पंप आएगा आगे, उधर रुकेंगे थोड़ा बहुत, नाश्ता वगैरह करेंगे और नहाएंगे धोएंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि जुम्मा है ना आज, गाड़ी तो खाली नहीं होगी, कल को गाड़ी खाली होगी तो राम राम से चलेंगे। बस आज के दिन हमने 400 किलोमीटर सफ़र करना है, तो ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा आराम से। चलो फिर चलते आगे, पेट्रोल पंप पे जाके रुकेंगे, नाश्ता नुश्ता करेंगे ना उधर जाके फिर। लो भाई इधर ली थी ब्रेक, जद्दा से थोड़ी सी आगे 50-60 किलोमीटर आगे आके ब्रेक ली थी, क्योंकि इधर भाई नहाना था, हमने 3-4 दिन हो गए थे नहाए हुए। नहा कर अब चाय उठा ली है, अब चलेंगे आगे, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं किया, अभी भूख नहीं यार, नाश्ता कहीं आगे जाके करेंगे। टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया 9 बज चुके हैं, नाश्ता मैं तकरीबन 10-11 बजे करता हूँ, आगे जाके देखेंगे नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी भूख नहीं है। इधर सही है, बाथरूम बुथरूम वगैरह अच्छा है, नहाने नहाने के लिए अच्छा जगह है, तो नहा लिए हम, अब टेंशन नहाने की ख़त्म, बस नाश्ता करेंगे फिर अलातुल जाएंगे, उधर जाके फिर सोएंगे। तो हाँ जी भाई, मदीना इधर से रह चुका है तकरीबन 200 किलोमीटर, मुझे नींद आ गई थी, पीछे मैं सो गया था 3-4 घंटे खूब सोया, अभी उठ के दुरा हूँ, टाइम अभी 4-4:30 हो चुके हैं। मैंने सोचा ट्रक तो आज खाली नहीं होगा, तो जाने का क्या फ़ायदा, नींद आ रही थी, मन चल सो जाते हैं, नींद नूंद पूरी करके ना अभी चाय पी के अभी ना उठ के दुरा हूँ। चलो फिर चलते हैं, सही व्यू आ रहा, मौसम एक नंबर। मदीने को आते हुए ना भाई, मदीना जब थोड़ा दूर रह जाता है ना, तो व्यू बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, मौसम भी बहुत सही रहता है मदीने में। ये देखो ट्रक जा रहे सभी जद्दा को, और मैं जा रहा हूँ मदीना को। थोड़ा रह गया, 50 किलोमीटर रहेगा मदीना, बस पहुँचने वाले हैं, उधर पहुँच के सोएंगे खाना वाना खा के, क्योंकि आज गाड़ी तो नहीं खाली होगी, क्योंकि आज जुम्मा है ना भाई, जुम्मे करके मैं भी दिन में सो लिया यार, नहीं तो वैसे रात को पहुँचना ज़रूरी होता है ना। अब तो कोई मुश्किल नहीं, जुम्मे वाले दिन कोई मुश्किल नहीं, सही है, आराम से जा रहा हूँ, ना किसी को ओवरटेक मार रहा हूँ, 70-80 की स्पीड पर जा रहा हूँ। तो भाई पुलिस वाले ने मुखलफा दे दिया, इधर मैट नहीं है, मैट नहीं लगा इसमें, कोई मुश्किल नहीं, ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट पे रोक के दे दिया मुखलफा भाई, गाड़ी में चलते हैं पहले तो। इधर भाई चेकिंग बहुत होती है, जो टायर के पीछे मैट नहीं होते, मैट लगे हुए, उनका मुखलफा दे दिया 150 रियाल का। चलो कोई मुश्किल नहीं, वो तो सिरका वसूल है, कंपनी वसूल है, वो हमारा नहीं ना, जो गाड़ी का मुखलफा होता है वो कंपनी का मुखलफा होता है, हम बोल देंगे, अब मैसेज कर देंगे डिस्पैचर को अपने को, भाई इसका फ़ैन दिया है तो लगवाने को बोलेंगे तो लगवा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बताना हमारा कंपनी को फ़र्ज है, जो ना बताए तो दोबारा आगे बोलेंगे बताया क्यों नहीं, एक बार कंपनी को बता देंगे भाई इसका फ़ैन दे दिया पुलिस वाले ने, अभी करता हूँ मैसेज मैं उसे। चलो कोई मुश्किल नहीं, कंपनी वसूल है इसकी। तो हाँ जी भाई, मैं इधर लोकेशन पे पहुँच गया था, और ट्रक हमारा कल को खाली होगा, एक गाड़ी वो खड़ा है हमारी कंपनी का ही, पहले वो खाली होगा, उसके बाद मेरी बारी है, और खाना खुना खाया है मैं, खाना सामने है ना, सामने पेट्रोल पंप है, उधर था वधिया होटल पाकिस्तानी, खाना खुना खा लिया, और रेस्ट करेंगे, सुबह उठेंगे ट्रक खाली करके दोबारा फिर जिद्दा चल जाएंगे। ओके भाई, खींचते आप पर्दे, सोते हैं फिर रेस्ट करते हैं। ओके गुड नाइट। तो हाँ जी भाई, ट्रक हमारा खाली हो चुका है, और पेपर ही मिल गया है, अब निकलते हैं इधर को, इधर से जद्दे के लिए। चलो भाई ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया, और ब्लॉग को भी करते हैं इधर ही ख़त्म, मिलते हैं आपको कहीं और नए ब्लॉग में, ठीक है भाई। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंटों में अपने विचार देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब भाई। ओके बाय।